नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो है कि डेल का डेस्कटॉप है और इसको पावर ऑन करते हैं। जैसे पावर ऑन करते हैं स्क्रीन में क्या आता देखिए, और जो भी ये प्रॉब्लम आ रहा है इसी प्रॉब्लम को जो है कि आज हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ टेक्निकल पीसीएस से जयल महतो। मेरे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते डिस्क की ड्राइव जीरो सिक फेल्योर, अगर इस टाइप का आता है प्रेस F1 टू कंटिन्यू, F2 टू एंटर सेटअप। इस टाइप का अगर आपका डेस्कटॉप में या लैपटॉप में प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, चलिए अभी इस वीडियो पे हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। देखिए, ऑल कंट्रोल डिलीट मार के जो है कि एक बार पीसी को रिस्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे रिस्टार्ट होगा F2 प्रेस करना है फॉर सेटअप, F2 फॉर बायोस सेटअप। ओके, तो यहाँ पे जो कि F2 हम लोग प्रेस करते हैं। जैसे F2 यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए बायोस का सेटअप जो है कि ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन सेकंड में जो कि स्टैंडर्ड सीमोस सेटअप, तो स्टैंडर्ड मेलॉ में हम लोग जो है कि इसको क्लिक करते हैं और जो पहला है ये जो है कि डेट एंड टाइम आप लोग दिख रहा है, इसको जो है कि डेट को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे और करंट डेट जो भी होगा वही डेट यहाँ पे जो है कि पुट करना होगा। तो सिंपली इसको जो है कि एंटर में पेज अप पेज डाउन आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो भी होगा प्लस माइनस या पेज अप डाउन या F5 F6 से जो कि डेट वैल्यू चेंज होता है तो वहाँ से जो है कि आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, करंट डेट पर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है कि इसको करंट डेट पे जो है कि चेंज कर देते हैं। देखिए डेट को जो है कि आज का जो डेट है उसको डेट को कर लिए। उसके बाद देखिए नीचे आप लोग देख सकते हैं ड्राइव ए जो है कि फ्लॉपी ड्राइव का दिख रहा है, इसको जो है कि नॉन कर देना होगा। यहाँ पे एंटर करने के बाद जो फ्लॉपी ड्राइव दिख रहा था उसको नॉन कर देना होगा। नॉन करने के बाद जस्ट इसको जो है कि हम लोग अभी सेव करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कितना सिंपली जो है कि ये प्रॉब्लम को आप लोग फिक्स कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको जस्ट सीमोस सेटअप ओपन करना था, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो चेंज करना कर लिए, उसके बाद F10 प्रेस करके जो है कि यहाँ पे वाई कर देंगे तो सीमोस सेटअप मेरा जो है कि सेव हो जाएगा। जैसे सेव होगा सिस्टम रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था, जो डिसफेल्योर करके जो आ रहा था, अभी आ रहा क्या नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहा, डायरेक्ट विंडोज ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।